नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआ में स्मैक तस्कर गिरफ्तार। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखत्ता स्थित शास्त्री नगर द्वितीय के पास से कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को दबोचा है, जिसके पास से पुलिस को 16.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत पुलिस द्वारा लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस अब उससे स्मैक लाने से लेकर बेचने के मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उस पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में लगभग एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पूर्व में हिस्ट्री शीट भी रह चुका है। यहां आज कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिंदुखत्ता स्थित शास्त्री नगर द्वितीय के पास एक युवक स्मैक बेच रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी करते हुए शास्त्री नगर द्वितीय निवासी सुंदर सिंह बिष्ट उर्फ देवा पुत्र शेर सिंह बिष्ट को पकड़ा। जब पुलिस ने उसकी जेबों की तलाशी ली तो उसके पास से एक प्लास्टिक की पन्नी बरामद हुई, जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें 16.8 ग्राम स्मैक मिली, जिसे पुलिस ने स्मैक को जब्त कर लिया है। उक्त स्मैक की कीमत पुलिस द्वारा लगभग 60,000 रुपए आंकी गई है। इस पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे स्मैक लाने समेत बेचने व अन्य पूछताछ की। इसके साथ ही पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में लगभग एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें गुंडा एक्ट तथा आर्म्स एक्ट व आबकारी अधिनियम के मुकदमे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी हिस्ट्री शीट भी रह चुका है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर पुलिस टीम में मुख्य रूप से कोतवाल DR वर्मा, उप निरीक्षक वंदना चौहान, कांस्टेबल आनंद पुरी, चंद्रशेखर, सुरेश प्रसाद, तरुण मेहता व गीता कम्बोज शामिल थे। आइए जानते हैं संगीता पुलिस क्षेत्राधिकारी ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। लालकुआ पुलिस के द्वारा कल शाम की चेकिंग के समय, जो हम कानून व्यवस्था चेकिंग हमारी चलती है, उसके चलते एक अभियुक्त जो ऑलरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हैं उसके पास उसको पकड़ा गया, तो देखा कि उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास 16.8 ग्राम हमारी स्मैक बरामद हुई है। और इसके प्राप्त होने पर हमने NDPS की धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया और विधिक कार्रवाई उसके अंतर्गत की जा रही है। ये अभियुक्त का नाम सुंदर सिंह बिष्ट, पुत्र शेर सिंह बिष्ट, निवासी शास्त्री नगर बिंदुखत्ता। इसका ये अभियुक्त 2017 से इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से 4 आबकारी के मुकदमे हैं। इसमें 2 मुकदमे मारपीट के, 2 मुकदमे इसमें बलवा के हैं, आर्म्स एक्ट के 2 मुकदमे, यह कुल मिला के 12 मुकदमे इसके खिलाफ प्रचलित हैं। इसमें भी इसकी में गुंडा एक्ट के तहत 2 गुंडा एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें समय समय पर चेकिंग की जा रही है। इसमें हमारी टीमें बनी हुई हैं जो निर्धारित समय पर अपनी चेकिंग करते रहते हैं, और वो वर्दी में बिना वर्दी में इसमें इसके बारे में अभी आपको जानकारी बाद में दी जाएगी।